तो अभी हमने आपको शुरू से जैसे बताया बॉटल से लेके इसमें फिलिंग कैसे होता है, लॉकिंग कैसे होता है, ये सब दिखाया। अब ये सब सेटअप है, ओके, ये मशीन चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हम वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये मशीन है, इसमें फिलिंग और गोटी लॉकिंग होता है, ओके। इसके बाद आप इधर सब सेटअप रखा है वो देख सकते हैं। ये है उसका कंट्रोल पैनल है, ये टच स्क्रीन है, इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, मतलब उसका लेवल कितना चाहिए क्या है, ये सब सेटिंग ये टच पैनल से होता है। उसके बाद ये आप कार्बोनेटर देख रहे हैं, ओके, 6 फीट का कार्बोनेटर है। उसके बाद ये जो आप कार्बोनेटर देख रहे हैं, ये जो आप कार्बोनेटर देख रहे हैं 7.5 से 8 फीट का है, जिसमें सोडा बनता है, ओके। इसमें कनेक्शन दिया है, सोडा गैस का कनेक्शन दिया है और पानी का कनेक्शन दिया है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे CO2 का सिलेंडर रखा हुआ है। उसके बाद ये जो कार्बोनेटर है, इसको हमने बहुत ही हैवी ड्यूटी पंप लगाया है, ये लगभग 2 HP का पंप है, ओके। और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत हाई ग्रेड क्वालिटी यूज किया है। उसके बाद ये पानी चील करने के लिए ये चीलर है, ये आप देख सकते हैं चीलर, ये आप देख सकते हैं चीलर है, ओके। और इसका काम क्या है, पानी को ठंडा करना, क्योंकि पानी ठंडा होने के बाद ही सोडा स्ट्रांग बन सकता है, मतलब वो एक फैक्टर है, ओके। तो उसको चीलर की जरूरत है पानी ठंडा करने के लिए, ये चीलर है। तो वापिस बताता हूँ, ये चीलर है, ओके, ये कार्बोनेटर पंप है, ये कार्बोनेटर है। उसके बाद ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये जो सब सिस्टम है ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए सिस्टम है, ये कंट्रोल पैनल से ये होता है। और उसके बाद ये अपना लास्ट में सबसे मशीन है जिसमें पैकिंग होता है। तो ये सब सारी सेटअप की जानकारी और इसका जो डेमो है, या ये फ्लेवर कैसे बनाना है क्या है, इसकी सब जान। तो ये जो बॉटल है ये कितने रेट में मिलेगा, ये सब सेट है, इसमें गोटी है, सील है, कैप है, बॉटल है, ये सब जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। और कॉल करके आप विजिट भी कर सकते हैं, विजिट करने के बाद आपको सारी जानकारी यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी।